हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल में बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, एक चौथाई कप बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे, एक चौथाई कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डालेंगे, एक चौथाई कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, एक चौथाई कप इस तरह से कुटी हुई हरी मटर डालेंगे, एक चौथाई कप हरा प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स की जगह पे आप लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच जीरा डालेंगे। अब मैंने ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और इसे ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो अदरक के टुकड़े को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। 2 से 3 लहसुन की कलियों को ग्रेट करके डालेंगे। लहसुन की कलियों को भी आप बारीक कट करके डाल सकते हैं। आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर की जगह पे आप चाट मसाले का भी यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। मैंने आलू को पहले से ही ग्रेट करके पानी में रखा था, जिससे ये आलू के लच्छे काले नहीं पड़े हैं। अब आलू के लच्छों का पानी निचोड़ देंगे हम और बॉल में डाल देंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए आप ढेर सारी सब्जियों का यूज कर सकते हैं। अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज हम जो नाश्ता बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, क्योंकि इसमें मैंने ढेर सारी सब्जियों का यूज किया है। इसमें आप अपनी पसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इसमें से कोई सब्जी नहीं है तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इस नाश्ते को मैंने अपने घर पर जब बनाकर खिलाया तो ये नाश्ता सभी को पसंद आया और सबने भरपूर तारीफ की। तो आप भी एक बार इस नाश्ते को जरूर बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए, सभी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम 1/4 कप बेसन डालेंगे। बेसन हम बाइंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, पानी हम बाद में डालेंगे। बेसन भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। तो देखिए, मैंने 2 या 3 चम्मच के समथिंग पानी का यूज़ किया है। बस इतना ही पानी का यूज़ करना है हमें। तो ये बैटर हमारा नाश्ता बनाने के लिए रेडी हो गया है। अब हम इसका नाश्ता बना लेते हैं। गैस पर मैंने एक तवा रखा है। तवे को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो तवे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हमने जो वेजिटेबल का बैटर बनाया है उसे हम तवे पर फैलाएंगे। इस तरह से मैंने 2 चम्मच बैटर को तवे पर फैलाया है। अब इस शीट को हम सभी तरफ से इस तरह से दबाते हुए फैला लेंगे। शीट को आपको ना तो ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही इसे ज़्यादा पतला रखना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने शीट को फैला लिया है। अब इसे हम 2 मिनट तक कवर कर छोड़ देंगे, ताकि जो शीट है वो भाप में अच्छी तरह से पक जाए। दो मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे शीट एक साइड से पकी है या नहीं। शीट को बिल्कुल आसानी से ही पलटने की कोशिश करें।
तो देखिए एक साइड से ये शीट पक गई है। अब इसे हम फिर से कवर करके 2 मिनट तक पका लेंगे। इस तरह से जब हम इस नाश्ते को कवर करके पकाएंगे तो जो सब्जियों का कच्चापन है वो भी चला जाएगा और नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। दो मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा लेंगे, शीट को पलटेंगे। तो देखिए दूसरी साइड से भी ये शीट पक गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आपने देखा होगा कितने बढ़िया तरीके से वेजिटेबल का ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको एक नाश्ता और बनाकर दिखाती हूँ। तवे को हम फिर से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो देखिए एनर्जी से भरपूर ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इस नाश्ते को आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें, ये आपको पूरे दिन की एनर्जी देगा। फ्रेंड्स ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रेसिपी देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।